मेन कैटेगरीज ऑफ द कॉन्सनेंट फ़ोनिम्स मेन कैटेगरी मतलब ग्रुप मेन ग्रुप ऑफ कॉन्सनेंट फ़ोनिम्स हम समझाते हैं फ़ोनिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका साउंड का और किसका साउंड का कोई भाषा का और कोई खड़खड़ खड़खड़ करा वो साउंड नहीं हुआ साउंड इन अ लैंग्वेज फोनिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज ठीक इन द वर्ड कैट द थ्री फोनिम्स आर क क ए, ट इन फोनिम्स द साउंड इज कंसिडर्ड नॉट द स्पेलिंग तो यही देखना है फोनिम्स में वो स्पेलिंग नहीं फोनिम्स आर साउंड ये फोनिम्स क्या है साउंड फोन स्मॉलेस्ट यूनिट अब देखिए

वी अब क्वेश्चन बना है वी हैव टू डिस्कस द मेन कैटेगरीज ऑफ द कॉन्सोनेंट फोनिम्स अब हम लोग को देख रहे हैं ग्रुप बनाना है किसका ग्रुप कॉन्सोनेंट कौन कौन ग्रुप कैसे किस कैसे प्रनसिएशन होगा ठीक है कैसे उसको बोलेंगे वी हैव टू डिस्कस द मेन कैटेगरीज या ग्रुप्स ऑफ द कॉन्सोनेंट फोनिम्स ठीक है दिस मीन्स दैट वी हैव टू डिस्कस द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन आर्टिकुलेशन कहाँ बोला जाता है कहाँ से बोला जाता है अब हम पेज टू मारे हैं कहाँ से बोला जाता है देखा आपको क्लियर होगा और सिर से बने रहिए द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ अ काउंसिल इज डिसाइडेड बाय द पैसिव आर्टिकुलेटर दैट इज इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग साउंड अब पैसिव स्पेक्ट आर्टिकुलेटर क्या आप सब समझ समझाते हैं फॉर एग्जाम्पल देखिए यू आर स्पीकिंग द वर्ड देन हम लोग देन बोल रहे हैं तो देन को लिखेंगे कैसे साउंड में पोलिटिकली ये वो सुना बना के सर ये कटिंग देन ये, देन 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 ये ठीक है? है ठीक है द टिप ऑफ द द टिप ऑफ द टंग एक्टिव आर्टिकुलेटर देखिए जी है ना ये एक्टिव आर्टिकुलेटर है द पासिव आर्टिकुलेटर इज अपर टीथ और टी जो है सिर है और टंग जो है ये खेल कर रहा है सो so, थ इज द डेंटल कॉन्ट तो क्या हुआ ये जो जो देन बोलने में जी धक्का मारता है दांत को तो जो पैसिव दांत जो है ऊपर वाला दांत वो पैसिव है एक्टिव टंग है तो जो पैसिव होता है ना उसके आधार पर नाम पड़ता है तो यह हो गया डेंटल दांत में मारा धक्का डेंटल हो गया देन देखें देन द टिप ऑफ द टंग हिट्स द बैक साइड ऑफ द अपर टीथ And we have the sound th. This a dental consonant. Another example of dental consonant is then. This Then. Another example of dental consonant is then. When we speak then, the tip of the tongue hits the upper teeth. So, द इज डेंटल कॉन्सुनेंट ये भी डेंटल है ये भी डेंटल है एग्जाम्पल दे रहा हैं डेंटल का ठीक है अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है दूसरा ग्रुप दूसरा ग्रुप क्या है बाई लेबियल कॉन्सोनेंस आर दोज इन विच द अपर एंड लोअर टीथ आर इन्वॉल्व बाई लेबियल में दो बाई दो लेबियल ओट का खेल होता है अब दो ओट का खेलता है एग्जाम्पल देखिए आर दोज इन विच अपर एंड लोअर लिप्स आर इन्वॉल्व फॉर एग्जाम्पल इन आप पेस्ट्री में मारे थोड़ा है लेकिन पढ़िए दो चार तब तो याद हो जाएगा समझ जाइएगा पहले समझिए अरे बाई लेबियल ओठ वाला देख रहे हैं क्या होता है देखिए ओठ पे कहते पोस्ट प दोनों ओर खेल ऊपर नीचे ओट का खेल है पोस्ट बोस्ट दोनों ओर खेलता है मील विन सब दोनों ओर का खेल है सो प एम एंड डब्ल्यू आर बाय लेबियल कॉन्सनेट्स दोनों बाई लेल ये दोनों कॉन्सेंट करते हैं ठीक है इन लेबियो डेंटल कॉन्सोडेंट लोअर लिप एंड द अपर टीथ आर इन्वॉल्व अब ये अलग अलग ग्रुप है ये अलग से क्या कहते हैं अलग ग्रुप है ये क्या है इसमें अपर लिप लोअर लिप और एंड द अपर लिप आर इन्वॉल्व ठीक है तो लोअर लिप इज एक्टिव लोअर लिप एक्टिव है द अपर टीथ आर पैसिव बाईस बाई डेंटल है बायो लेबियो है डेंटल है कॉन्सोनेट द लोअर लिप ठीक है लेब लिप हो गई लिप एंड द अपर टीथ अपर टीथ डेंटल हो गया टीथ आर इन्वॉल्व द लोअर लिप इज एक्टिव द अपर टीथ आर पैसिव फॉर एग्जांपल फेट फेट वओ सो एफ एंड वी आर लेबियो डेंटल लिप भी है दांत भी है। दोनों मिला के बोलते हैं तो क्या है लेब्योडेंटल लेबियोडेंटल कॉन्सोनेट्स तो क्या है एफ और वी जो है लेबियोडेंटल कॉन्सोनेंट्स ठीक है डिफरेंट प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन आर यूज डिफरेंट प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन आर यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट कॉन्सोनेट साउंड अलग अलग जगह से को यूज करते हैं तो अलग अलग साउंड होता है ग्रुप और आर्टिकुलेट्रीज ग्रुप और कैटेगरीज हैव बीन है तो इसी के आधार पर कहाँ कहाँ से आवाज़ आती है तो ग्रुप या कैटेगरीज या बनाया गया है ग्रुप बनाया कैटेगरी इसी पर क्वेश्चन है कैटेगरीज में ग्रुप रिफॉर्म बी साइड द थ्री ग्रुप्स और कैटेगरीज डिस्कस अब वी हैव दिलटल ग्लोटल एंड अदर कैटेगरीज ऑफ कॉन्सि और सब बहुत सारा कैटेगरीज है सब तो रखना पॉसिबल नहीं है कर भी सकते हैं आप हिम्मत है तो लेकिन जो जो हम इंपॉर्टेंस अब देती है सब जगह अब क्या कहते हैं द नेम पलेटल पर लेटल कॉन्सोनेंट इज गिवेन बिकॉज द पैलेट हार्ट पैलेट इज यूज टू प्रोड्यूस द साउंड ऑफ द दिस कॉन्सोनेंट अब पैलेट यूज हो रहा है तालू तो उसके नाम उसी पर नाम पर गया पलेटल पलेटल पले फॉर एग्जाम्पल द साउंड ये, ये सिंबल है यह सिंबल है यह फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन य है ये इन यस तो यस बोली क्या होता है आपको आपका टंग जो है तालू में मारता है यस yes. तो ये हो गया पलेटल कंसोनेंट समझ रहे हैं द साउंड ऑफ द इन हैट इज ग्लॉटल अब तो दूसरा ग्रुप आ गया है दूसरा ग्रुप में मार गए हैं दूसरा ग्रुप क्या है हॉ है हॉ हा ग्लोटल गला दिस इज सो नेम बिकॉज मेनली ग्लोटिस इज यूज टू प्रोड्यूस द साउंड बोलते हैं तो गला से यहाँ आता तो है उसको कहते हैं ग्लोटल ग्लोटल तो गला हिंदी में कहते हैं गला कही या छोटा हम देहाती में कहते हैं छोटा से आवाज आती है हा हैट देखें हैट यहाँ पर तो समझ समझ के पढ़िएगा ना तो जल्दी याद हो जाएगा जो सब याद होने लायक वही कीजिए बहुत भारी लगे तो छोड़ दिए लेकिन आपको तैयारी तो करनी है आपको ठीक है आफ्टर कंसिडरिंग द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्फिडेंस लेट अस कंसीडर द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन जगह तो पता लगा लिए कि किस तरीके से बोला जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन इज डन अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज इसका अलग ग्रुप बनाया है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन प्लोसिव है अफ्रीकेट है नेजल है ट्रिल या रोल कहते हैं अच्छा आप पेज पर जहाँ सर जो सब याद हो ना उसको भारी लगे क्या दीजिएगा छोड़ दीजिएगा पाँचवा वाला है लेकिन कुछ करना है आपको लेकिन ये फ्लैप ये सर है क्या कहते हैं ठीक है अस अंडरस्टैंड क्या होता है देखिए इन अ सडन रिलीज ऑफ द ब्लॉक्ड एयर सडन रिलीज होता है ब्लॉक्ड एयर है सडन so रिलीज करते हैं देर इज एक्सप्लोसिव नॉइज फॉर एग्जाम्पल पिट बिट और गाना में भी, भी देखिएगा पंछी नदिया पवन के झोंके पवन पंछी तो ये सब एक्सप्लोसिव है एक्सप्लोसिव नही प ब अब देखिए आप ये भी नेजल भी है नाउ लेट अस कंसीडर कंसिडर नेजल नाक से जो हो या बोलता है कॉन्सोनेंट बोलते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ अ नेजल कॉन्सोनेंट देयर इज अ कंप्लीट क्लोजर ऑफ द ओरल पैसेज मुंह बंद रहता है नेजल पैसेज रिमेन्स ओपन नाक के थ्रू से साउंड आता है क्या कहते बगवन ये जीवन तुम न संवारोगे तो कौन कोई ही संवार गाना में ना ये बहुत क्लियर हो जाता है क्या कहते हैं ये वाला सुनिगे से नेजल है वो जो, जो कोई अच्छा गाती है गाता है तो उसका सुनिएगा बहुत अच्छा नेजल सॉन्ग बहुत मीठा लगता है नेजल एयर पासिस फ्रीली थ्रू द नोज फॉर एग्जाम्पल सिंग सिंग निंग 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 ना आपसे सिंग सिंग गिंग गे अंगो है ये सब निजल है समझे ना तो गाना सुनते रहिएगा तो मन मन भी लगेगा कुछ <laughs> क्या बताए ये कंक्लूजन देना है और कंक्लूजन आपको बताए थे हिट द नि ऑन द तो क्वेश्चन के शब्द को लेकर कंक्लूजन कीजिए जो आप बीच में जो भरे हैं लिखते हैं जो याद है लिखिएगा क्या गई लेकिन कंक्लूजन देखिए क्वेश्चन देखिए टू कंक्लूड वी हैव द मेन कैटेगरीज ग्रुप ऑफ द कॉन्सोनेंट फोनिम्स उसी क्वेश्चन को आ जाए वी एव ऑल्सो डिवाइडेड सॉरी वी एव ऑल्सो डिस्क्राइब द कॉन्सोनेंट विथ रेफरेंस टू द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कहाँ से बोला जाता प्लेस एंड द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एड कैसे Okay. That's all. Thank you.